उत्तर प्रदेश में अब एक नया शहर बसने वाला है। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ग्रेटर नोएडा फेज टू के मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी गई है। इस मास्टर प्लान के तहत लगभग 56,000 हेक्टेयर जमीन पर ग्रेटर नोएडा फेज टू विकसित किया जाएगा। इस जमीन का विस्तार गौतम बुद्ध नगर से लेकर गुलवथी यानी कि बुलंद शहर तक किया जाएगा। इस मास्टर प्लान में गौतम बुद्ध नगर, बुलंद शहर, हापुड़ और धौलाना क्षेत्र के 144 गांव को शामिल किया गया है। इसके लिए प्राधिकरण की तरफ से एक खास प्लान तैयार किया गया है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी मिल गई है। अब इस मास्टर प्लान की खासियत क्या है ये भी जान लीजिए। इस मास्टर प्लान की कुल जमीन का लगभग 17% हिस्सा आवासीय योजनाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा, जहां नए आवासीय प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे। लगभग 5% जमीन को शॉपिंग सेंटर और व्यापारिक हब के लिए आरक्षित किया जाएगा। औद्योगिक विकास के लिए सबसे ज्यादा लगभग 25% जमीन औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आरक्षित की गई है। वहीं लगभग 10% जमीन पर यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, मैकेनिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे बड़े बड़े शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। मास्टर प्लान के तहत लगभग 13% जमीन परिवहन के लिए आरक्षित की गई है, जिसमें मेट्रो रेल और हाई स्पीड ट्रेन जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल है। पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा गया है। इसके लिए लगभग 23% जमीन हरित क्षेत्र के लिए आरक्षित की गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बड़ा ऐलान भी किया गया है कि परी चौक से लेकर हापुड़ तक 105 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा और इसे सबसे पहले जीटी रोड से जोड़ा जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए किसानों से जमीन खरीदने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और निर्माण कार्य के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है, जिसका नेतृत्व प्राधिकरण के मैनेजर सुरेंद्र कुमार कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार एनजी ने एक चैनल से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान को सबसे पहले ग्राम बोर्ड की बैठक में पास किया गया था, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के चीफ टाउन प्लानर की मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट और दिल्ली एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के पास भेजा जाएगा। इस मास्टर प्लान को मंजूरी मिलने के बाद ग्रेटर नोएडा फेज टू में औद्योगिक और अन्य विकास परियोजनाओं को भी रफ्तार मिलेगी। ग्रेटर नोएडा फेज टू को 8 हिस्सों में बांटकर बसाया जाएगा। इस शहर को पूरी तरह बसने में करीब 20 साल तक का समय लग सकता है। इसमें सबसे खास बात यह होगी कि ग्रेटर नोएडा और फेज टू एक दूसरे से जुड़े तो होंगे लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे, यानी कि स्वतंत्र रहने का मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा फेज टू का इलाका दिल्ली हावड़ा ट्रैक से हापुड़ बॉर्डर तक और दूसरी तरफ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक फैलेगा। फेज टू में करीब 40 गांव शामिल किए जाएंगे, जिनमें दादरी तहसील के ज्यादातर गांव शामिल है। दादरी तहसील के नई बस्ती, फूलपुर, शाहपुर, भराना समेत 40 गांव को शामिल किया गया है। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।